अयोध्या में भगवान राम मंदिर के निर्माण की शुभ घड़ी आ गई है। कल राम मंदिर का शिलान्यास समारोह होगा। भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर की नींव रखेंगे। इस बीच अयोध्या में SPG ने सुरक्षा संभाल ली है। अयोध्या की सीमा सील कर दी गई है। 5 अगस्त तक बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। स्थानीय निवासियों को पहचान पत्र रखना अनिवार्य है। अयोध्या में आज राम मंदिर के भूमि पूजन से हनुमानगढ़ी में निशान पूजन किया गया। निशान पूजन के जरिए हनुमान जी से मंदिर निर्माण की अनुमति ली गई। राम मंदिर निर्माण में निशान हनुमानगढ़ी का निशान पूजन का महत्व है। राम जन्मभूमि परिसर में राम अर्चना लगातार हो रही है। भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी अयोध्या में 3 घंटे तक प्रवास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के अयोध्या में लैंड होने से विदाई तक के मिनट टू मिनट कार्यक्रम पर आइए एक नजर डालते हैं। 5 अगस्त की सुबह दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रस्थान करेंगे। 9:35 पर दिल्ली से उनका विशेष विमान लखनऊ आएगा। 10:35 पर प्रधानमंत्री का विमान लखनऊ लैंडिंग करेगा। 10:40 पर हेलीकॉप्टर से प्रधानमंत्री अयोध्या के लिए प्रस्थान करेंगे। हनुमानगढ़ी पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 मिनट दर्शन पूजन करेंगे। 12 बजे राम जन्मभूमि परिसर पहुंचने का कार्यक्रम है। 10 मिनट में रामलला विराजमान के दर्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। 12:15 पर रामलला परिसर में परिजात का पौधारोपण होगा। 12:30 पर भूमि पूजन कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। 12:40 पर राम मंदिर की आधारशिला की स्थापना होगी। 1:10 पर नृत्य गोपाल दास वेदांती जी सहित ट्रस्ट कमेटी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी। 2:05 पर साकेत कॉलेज हेलीपैड के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रस्थान करेंगे और 2:20 पर प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर लखनऊ के लिए उड़ेगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय के मुताबिक भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान COVID-19 के प्रोटोकॉल के साथ ही प्रधानमंत्री की सुरक्षा को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था काफी सख्त रहेगी। सभी निमंत्रण प्राप्त लोगों को सुबह 10:30 तक आना अनिवार्य है। इसके बाद प्रवेश नहीं मिलेगा। सभी अतिथियों को प्रधानमंत्री के आगमन से 2 घंटे पहले तक पहुंचना होगा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को आमंत्रित किया गया है उनको कार्ड मिल गया है। इस कार्ड के आधार पर कोई दूसरा व्यक्ति उनकी जगह नहीं आ सकता। इसके साथ ही उन्होंने बताया कोई वाहन पास जारी नहीं किया गया है। वाहनों को कार्यक्रम स्थल से दूर ही रखा गया है। राम मंदिर के भूमि पूजन में यूं तो सिर्फ 175 अतिथियों को निमंत्रण दिया गया है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में 137 करोड़ भारतीयों का प्रतिनिधित्व करेंगे। कुछ कार सेवकों के परिवार के सदस्यों को भी इसमें आमंत्रित किया गया है। भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान मंच पर सिर्फ 5 लोग होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, RSS प्रमुख मोहन भागवत और श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास मंच पर रहेंगे।